भारतीय अभियंता संघ द्वारा प्रांतव्यापी 7 दिवस 7 मांगों को लेकर यह हमारा पंचम क्रम है। आज हमने कार्य का बहिष्कार किया है और हम निरंतर शांतिपूर्वक ढंग से प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, ऊर्जा सचिव और सभी को हमारे द्वारा पत्राचार भी किया गया, लेकिन हमारी मांगों को उन्होंने नहीं माना है। तदुपरांत इससे हमारे सभी कर्मचारियों में काफ़ी रोष है और ये आक्रोश दिखा रहा है कि हमको अब आज लंबी हड़ताल करना पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन अभी तक सुन नहीं रहा है। अगर प्रशासन हमारी साथ मांगे, सबसे पहली मांगे कि करंट चार्ज दिया जाए, क्योंकि विगत 12-12, 13-13 वर्षों से हमारे कनिष्ठ श्रेणी के पद पे ही कार्यरत हैं। 18-18 वर्षों के भी कनिष्ठ श्रेणी है जिन्हें अभी तक एक भी प्रमोशन प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा मांग ये है कि हमने करंट चार्ज तुरंत दिया जाए, समान वेतन समान पद के न मान से हमारे अभी बहुत विसंगति है सैलरी में, उन विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाए। धारा 304 है जो हमारे ऊर्जा सचिव महोदय ने जिसमें सीधे FIR करने की बात लिख दी है दुर्घटना पे, उसे तुरंत वापस लिया जाए। उसके कारण हमारे कई साथी ब्लैकमेल हो रहे हैं और बार बार उन पर दबाव आ रहा है, आर्थिक हानियाँ भी हो रही है। अतः इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए, धारा 304 को तुरंत निरस्त किया जाए। उसके बाद की अगर समस्या का निराकरण, आज भी अगर हमारी समस्या का नहीं होता है तो दिवाली उपरांत हम सभी साथी जैसे आज यहाँ एकत्रित हुए हैं अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इसमें अगर किसी उपभोक्ताओं को, सम्मानीय उपभोक्ताओं को, इनको अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए प्रशासन और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जवाबदार रहेगा। धन्यवाद। अनूप कुमार जोशी, इंदौर जोनल प्रभारी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।